हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। पिछले दो दिन से मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ चैनल को लेकर के। थंबनेल में भी आपने देखा होगा कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर के, क्योंकि दो दिन पहले जो है मुझको तुरंत एक यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है कि आपके एक वीडियो पर जो है एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया है और उस वीडियो को जो है टर्मिनेट किया जा रहा है। तो वो वीडियो हट गया। अभी लेटेस्ट में जो मैंने WDG4G का जो वीडियो डाला था वही वीडियो है जो अभी चैनल पर नहीं है। मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो है किन्होंने ये कॉपीराइट स्ट्राइक दिया और कैसे ये स्ट्राइक आया। इसका कारण भी मेल में आया हुआ था और जिन्होंने स्ट्राइक दिया है उन्होंने मेल भी किया था। वो ये था कि दो दिन पहले जो है मैंने अपना मेल खोला और मेल में जो है कोई मेल नहीं था। ऐसा कोई भी कम्युनिटी का चाहे या फिर किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया था कि किसी का मैंने जो कंटेंट ऐसा है कुछ यूज भी किया है। हुआ क्या कि चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है, सभी लोग जानते भी हैं, जो कि अब नहीं है, मैंने उसको हटा दिया है। तो दो साल पहले करीब 2018 में, उस समय जो है ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े नहीं थे, करीब 2018 की बात है, और किसी ने जो है कि चैनल पे किसी पब्लिकेशन का, एक पब्लिकेशन है मतलब बड़ा पब्लिकेशन है, उसका बुक का जो PDF है वो शेयर कर दिया था। ऐसे ही सभी लोग जनरली यूट्यूब से या फिर टेलीग्राम पर, बहुत से चैनल हैं, बहुत से ग्रुप हैं जहाँ पर PDF शेयर किए जाते हैं, तो किसी ने वैसे ही मार्क करके जो है इस ग्रुप में भी शेयर कर दिया। मैंने उसे देखा तो उन्होंने वो वहाँ से कंटेंट देखा कि उनके पब्लिकेशन का बुक जो है वो PDF के फॉर्म में इस मेरे चैनल पे अवेलेबल था, बल्कि वो 2018 का पोस्ट था वो। तो उन्होंने जो है कि वो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे चैनल का नाम है और मेरे ही द स्टूडेंट के नाम से ही वो चलता था टेलीग्राम ग्रुप। दरअसल वो ओपन ग्रुप था, किसी कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि ना भेज पाएँ। आप सभी चीज़ें आप चैट भी कर सकते थे उसमें, मीडिया भी आप जो भेजना चाहें वो भेज सकते, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने भेजा हुआ था, तो उसी के बिहाफ पे जो है उन्होंने कोई पहले प्रायर मैसेज, पहले जो है उन्होंने मैसेज नहीं किया जीमेल पे, कोई भी पहले नोटिस नहीं दिया कि आपने जो है ये कंटेंट शेयर किया जो कि कॉपीराइट गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। हाँ, ये बात सही है कि किसी भी पब्लिकेशन का अगर बुक है चाहे जो भी चीज़ें हैं आप पायरेसी करते हैं तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट जो भी है उसके खिलाफ है और ये कानूनन वैध नहीं है। बल्कि ये 2018 का पोस्ट था, अभी 2021 चल रहा है। तो उन्होंने उसी भी यहाँ पे जो है एक यूट्यूब का वीडियो को जो है उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक किया, क्योंकि मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम ग्रुप का मेंशन किया हुआ है और वहाँ से जुड़ने के लिए लिंक भी दिया हुआ है। तो उन्होंने उस वीडियो को कॉपीराइट किया और वो वीडियो जो है हटा दिया गया, तो चैनल पे अभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। दरअसल मेरा ये पहला अनुभव है, इससे पहले कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया था। और पता ही आपको कि 3 कॉपीराइट स्ट्राइक होने के बाद चैनल बंद भी हो सकता है। तो इसीलिए दो दिन से मैं उनको मेल कर रहा था, एक मेल मैंने उनको जस्ट अगले दिन भेजा था कि मैं टेलीग्राम पे चेक कर रहा हूँ, और मैंने चेक भी किया, बहुत पीछे तक जाकर चेक किया, जो कि मुझे वो फ़ाइल मिल नहीं रही थी। तो एक जब मिला नहीं फाइल तो मैंने उनसे कहा कि फ़ाइल मुझे मिल नहीं रही है और कोई भी अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर हो तो उसको दीजिए, मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ। तो उन्होंने किसी लीगल एडवाइज़र जो भी उनके उनका नंबर दिया उन्होंने और मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो वो यही सब बातें कह रहे थे कि ये सब चीज़ें गलत हैं, और मैंने कहा हाँ भाई ये सब चीज़ें तो गलत हैं, और मैंने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा और आप कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है, अभी उतना अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। तो मैंने क्या किया, दरअसल आप जो लोग चैनल से जुड़े हुए थे, टेलीग्राम ग्रुप से भी जो जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने देखा हो कि मैंने बारी बारी से सबको रिमूव भी कर दिया, काफ़ी टाइम लगा उसमें रिमूव करने में, और उसको ग्रुप को जो है मैंने वो डिलीट कर दिया है। तो अब बाद में जो है एक नया ग्रुप मैं बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा प्राइवेसी में रखूंगा और चीज़ों को चेक करूंगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कॉपीराइट के ख़िलाफ़ है, और ऐसी चीज़ें आप लोग अगर शेयर करते हैं तो भी गलत है और चैनल पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दो दिन दिन से मैं इसी बात को लेकर काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि वो लोग तुरंत तुरंत रिप्लाई दे नहीं रहे थे। एक मेल आज करने के बाद जो अगले दिन वो लोग उसका रिप्लाई दे रहे हैं, तो इससे टेंशन थोड़ी बढ़ गई थी और मुझे लगा कि चैनल मतलब बंद ना हो। और जो लोग द स्टूडेंट से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैं कोई भी ऐसा कंटेंट जो है किसी का मैं ना ही प्रमोट करता हूँ, ना किसी चीज़ को मैं किसी से पैसे लेकर के भी ऐसा प्रमोशन का काम भी मैं नहीं करता। तो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं,
दूसरा चैनल भी मैंने बनाया हुआ है द स्टूडेंट ब्लॉग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो लोग वहाँ उससे नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ जाइए, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक हो सकता है इस पर मैं वीडियो ना डालूँ, या फिर हो सकता है कुछ दिनों तक थोड़ा सा संभल के काम किया जाए इस चैनल पर, तो उस चैनल पर वीडियो पड़ता रहेगा, आप उस चैनल पे भी पहुंच के जो है जुड़ सकते हैं। दोनों पे सेम कंटेंट भी हो सकता है, या फिर उस पे भी मैं वीडियो डालूँगा, तो आप उससे जुड़ जाइए और देखते हैं आगे फर्दर कार्रवाई क्या होती है। मुझे लगता है कि मैंने वो ग्रुप जो है डिलीट कर दिया टेलीग्राम का, और दूसरा ग्रुप मैं जब बनाऊँगा तो मैं आपको यहीं पर जो है सूचना दे दूँगा, और उसमें थोड़ा सा रूल मैं टाइट उसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई देखिए उनका इंटेंशन नहीं था, जो भी कोई स्टूडेंट थे उन्होंने शेयर किया था, उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कोई पायरेटेड कॉपी या पायरेसी करने का उनका कोई मकसद नहीं था, बस एज इट इज। आप भी लोग बहुत से मैसेज होते हैं या फिर पी डी एफ फाइलें होती हैं मार्क करके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वही उसी तरह से उन्होंने भी शेयर किया था, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो है कि ऐसा कॉपीराइट स्ट्राइक उस पब्लिकेशन के द्वारा मुझे मिलेगा, क्योंकि वो बड़ा पब्लिकेशन है और उनको इससे हो सकता है नुकसान हुआ हो, होता भी होगा, ऐसे बहुत से कंटेंट गूगल पे भी पढ़े मिल जाएंगे आपको, बहुत से पीडीएफ फाइलें मिल जाती हैं, तो इस बात से मैं थोड़ा 2-3 दिन से काफ़ी सैड था, और मैं सोच रहा था इस चैनल पर वीडियो डालूँ या फिर द स्टूडेंट ब्लॉग वाले चैनल पर वीडियो डालूँ, अभी ये वीडियो तो द स्टूडेंट वाले चैनल पे ही पड़ा है, बाकी आगे सोच रहा हूँ मैं द स्टूडेंट ब्लॉग को भी मैं उसको कंटिन्यू रखूँ, और जो लोग इससे जुड़े हैं उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कभी हो सकता है कि अगर इस चैनल पे चीज़ें ना पढ़ पाएँ किसी भी कारण से, तो उस चैनल पे जो है मैं द स्टूडेंट ब्लॉग वाले चैनल पे मैं चीज़ें अपलोड करता रहूँगा, और देखिए इसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और जो भी लोग हैं उस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, ग्रुप से मैं धीरे धीरे सबको जोड़ूंगा, और ग्रुप तो मैंने बनाया हुआ है लेकिन अभी मैं उसका अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, उसका लिंक मैं कभी किसी को अभी दिया नहीं मैंने, लेकिन मैं बाद में उसमें सभी लोग जुड़ जाएंगे, मैं लिंक उसका दे दूँगा, तो आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, और इस तरह की एक्टिविटी उसमें ना हो पाए इसका मैं थोड़ा सा ध्यान दूँगा, और इस तरह से भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है चैनल पर, मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और इस बिहार पर उन लोगों ने स्ट्राइक दिया था, काफ़ी बात हुई है, अभी 2 मेल मैंने भेजा हुआ है, ग्रुप डिलीट करके स्क्रीनशॉट भी उसका मैंने भेज दिया है, देखिए आगे क्या उनका रिप्लाई आता है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और द स्टूडेंट ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करिए, उस चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, थैंक यू दोस्तों, और आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये चैनल जो है स्टार्टिंग मैंने किया था तो इतने लोग नहीं थे अभी, लेकिन अभी इधर जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, तो मैं चाहता हूँ सब अधिक से अधिक लोग और जुड़ें, और मैं आप लोगों को जितना भी मदद कर सकता है रेलवे एग्जाम को लेकर के या फिर रेलवे से रिलेटेड ब्लॉग को लेकर के, मैं वो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपना जो है ख्याल रखिए, कोरोना के समय में जो है कम से कम कोशिश करिए बाहर निकलने का, और अधिक से अधिक जो है टाइम अपना जो है पढ़ाई में स्पेंड करिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।